नमस्कार दोस्तों, ड्रुपल 7 हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉगिन टू बॉगिन के बारे में, जो कि हमारा, जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में लॉगिन डेस्टिनेशन के बारे में बात किया था, ये लॉगिन टू बॉगिन मॉड्यूल भी हमें एक ऐसी फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है जो कि हम अपने लॉगिन सिस्टम को कस्टमाइजेशन कर सकें या रजिस्ट्रेशन सिस्टम को हम लोग कस्टमाइजेशन कर सकें। तो उसके लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कराता है, कि जैसे कि हमें ये, जब हम अपने बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम अपने ड्रुपल में यूज़र क्रिएट करते हैं तो उसमें हम उसका ईमेल आईडी भी लेते हैं। तो अगर हम ईमेल आईडी और यूज़र नेम दोनों से ही लॉगिन कराना चाहते हैं तो भी हम इसका यूज़ इस मॉड्यूल का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र इमिडिएटली, जैसे ही हम अपने यूज़र रजिस्टर्ड हुआ हमारे सिस्टम में या प्रोजेक्ट में, तो हम उसको लॉगिन करा लें, तो उसके लिए दोस्तों हमें उसको रजिस्ट्रेशन फॉर्म में उसका पासवर्ड भी फिल कराना पड़ेगा। तो वो भी इसमें ऑप्शंस है, फंक्शनैलिटी दिया हुआ है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो हम इसमें कवर कर सकते हैं, इसका आप डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हैं यहाँ पर। तो इसको यूज़ करने के लिए दोस्तों हम इसको सबसे पहले डाउनलोड करके अपने सिस्टम में डाल लेंगे। उसके बाद मैंने ऑलरेडी इसको डाल लिया है, तो इसको हम पहले इनेबल करेंगे। उसके लिए हम मॉड्यूल पेज पे जाते हैं। तो मॉड्यूल पेज पे जब हम गए तो ये आ गया हमारा, जो कि मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है। आप यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक करके इसको जब सेव करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। तो देखिए इनेबल है ये। इसके बाद हम लोग इसमें चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन पेज पे, इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए यहाँ पर ये ऑप्शन दिया है लॉगिन टाइम, तो अलाउ यूज़र टू लॉगिन यूजिंग देयर ईमेल एड्रेस। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा यूज़र लॉगिन टाइम में ईमेल एड्रेस का भी यूज़ करे कर सके तो हम इस पर यहाँ इसको इनेबल कर देंगे। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि यूज़र विल बी एबल टू इंटर देयर यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस टू द लॉगिन टाइम। ठीक है, अब ये है प्रेजेंट। यहाँ पर अगर हम इस चेकबॉक्स का यूज़ करते हैं तो हमें एक ही पेज पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन दोनों का ऑप्शन मिलेगा। तो कैसे मिलेगा वो हम इसको चेक कर देते हैं, देखेंगे थोड़ी देर में। इसके बाद दोस्तों ये है कि अगर हम, जैसे कि हम पासवर्ड सेट करते हैं अपने किसी भी रजिस्ट्रेशन पेज पे, तो हम उसका एक कंफर्म फिर फील्ड लेते हैं कि पासवर्ड कंफर्म हो, मिसमैच होगा तो हम यूज़र से मतलब चेक कराने के लिए। तो अगर ईमेल आईडी भी आप चाहते हैं कि वो कंफर्म करे तो आप इसको यहाँ जब इनेबल कर देंगे तो वो दो बार ईमेल आईडी सेट करेगा। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है सेट पासवर्ड। ठीक है, अगर आप इस प्रोसेस का यूज़ कर रहे हैं सेट पासवर्ड का, यहाँ अगर आपने चेक कर दिया है तो ये याद रखिएगा कि जो आप ईमेल वेरिफिकेशन करा रहे हैं तो वो, कि जैसे मैंने पहले ईमेल वेरिफिकेशन कराया फिर यूज़र रजिस्टर्ड कराया, तो वो यहाँ पर अगर आपने सेट कर दिया तो वो यूज़ फंक्शनैलिटी स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने पासवर्ड सेट किया कर दिया है तो वो अपना पासवर्ड डाल देगा और वो ईज़िली रजिस्टर्ड होकर लॉगिन हो जाएगा। तो उस केस में आप नया यूज़र ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इफ़ द पासवर्ड सेट पासवर्ड सेलेक्टेड यूज़र विल बी एबल टू लॉगिन बिफोर देयर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन एज ऑथेंटिकेटेड। ठीक है, तो ये हम अगर चाहते हैं कि अगर हम किसी नए रोल पे देना चाहें तो आप एक नया रोल कर सकते हैं, क्योंकि आपने अगर यहाँ पर सेट पासवर्ड चेकबॉक्स पर किया तो वो ऑलरेडी जब भी क्रिएट होगा तो वो ऑथेंटिकेटेड यूज़र होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये दिया इमीडिएटली लॉगिन। जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन सेट करेंगे, रजिस्टर करेंगे यूज़र को, वो रजिस्टर होते ही लॉगिन हो जाएगा, लेकिन ये जब भी काम करेगा जब आप सेट पासवर्ड ऑप्शन यूज़ करेंगे ऊपर, कि हमें रजिस्ट्रेशन टाइम ही उसका पासवर्ड सेट कराना है। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन टाइम हम अगर कराते हैं और इसे किसी वेलकम पेज पे देना चाहते हैं कि वो जैसे रजिस्टर्ड हो, तो जैसे हम प्रोफाइल पेज पे अगर हमने बनाया हुआ है कि जैसे वो रजिस्टर्ड हो और प्रोफाइल पेज पे चला जाए, तो हम यहाँ पर
उस प्रोफाइल पेज का पाथ दे सकते हैं। ठीक है, अभी मेरे पास प्रोफाइल पेज का पाथ नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपको पाथ हो, आप बेसिक पेज जो भी आपने बनाया यहाँ पर पेस्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद रिडायरेक्ट पाथ ऑन कंफर्मेशन, ये कंफर्मेशन के लिए है। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया है डिस्प्ले लॉगिन सक्सेसफुल मैसेज। ठीक है, अगर आप लॉगिन करा लेते हैं तो उसको ये मैसेज मिलेगा लॉगिन सक्सेसफुल। ठीक, और यहाँ पर ये दिया है मिनिमम पासवर्ड लेंथ, जैसे कि हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होती है, तो यहाँ पर आप जितना भी आपको पासवर्ड का लेंथ सेट करना है वो सेट कर दीजिए। ठीक है, हम लोग 8 लेके चलते हैं। तो ये कुछ सेटिंग्स थी जो कि हम लोग इस मॉड्यूल में यूज़ करेंगे। इसका डिस्क्रिप्शन दोस्तों दिया हुआ है, आप अगर इसको पढ़ेंगे तो आपको पूरी डिटेल समझ में आ जाएगी। इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, सेव करते हैं। अब देखते हैं हमें क्या क्या चेंजेस मिले। ठीक है, इसको लॉग आउट करते हैं, अपने क्रिएट पेज पे चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो हम लोग एक ही पेज पे हमने सेट किया था कि रजिस्टर पेज और लॉगिन पेज एक ही पेज पे हो, देखिए ये टैब सिस्टम, ड्रूपल का टैब सिस्टम चल रहा है। ये देखिए आई हैव ऑलरेडी अकाउंट, यहाँ पर मैं सेट करूँगा, और मुझे अगर अकाउंट क्रिएट करना है तो मैं इस पर क्लिक करके अकाउंट क्रिएट करूँगा। देखिए दो ऑप्शन आए ईमेल एड्रेस के, ईमेल और ईमेल कन्फर्मेशन। ठीक है, पासवर्ड, ठीक, चलिए एक रजिस्टर कर लेते हैं। अच्छा देखिए, यूज़र और ईमेल एड्रेस दोनों से हम यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, एक टेस्ट नाम का कर लेते हैं, टेस्ट। ठीक है, ईमेल आईडी आपको कंफर्म करनी पड़ेगी अब। पासवर्ड देखिए, मैं अभी 6 कैरेक्टर का पासवर्ड लेता हूँ। ठीक है, देखिए मैसेज आया यहाँ पर, पासवर्ड टू शॉर्ट, इट मस्ट बी एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। ठीक है, तो हमें इसको एक कैरेक्टर पर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्रिएट करते हैं। देखिए यूज़र क्रिएट हो गया, थैंक यू फॉर अप्लाइंग अकाउंट, अब एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव करेगा तो ये लॉगिन कर पाएगा। लॉगिन हो, देखिए इमीडिएटली लॉगिन भी हो गया। हमने चेक कर रखा था इमीडिएटली लॉगिन का, तो देखिए पहले तो क्या था कि एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूव करेगा, मेरे में सेटिंग थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि हम लोगों ने वो पासवर्ड सेट करा दिया है तो ये ऑटोमेटिक लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, अपना एडमिन अकाउंट चलते हैं। देखिए यहाँ भी आ गया ऑप्शन यूज़र और ईमेल एड्रेस, यूज़र नेम भी आपसे भी आप सेट कर सकते हैं, ईमेल एड्रेस से भी दे सकते हैं कि मैं यूज़र नेम से सेट कर लॉगिन करता हूँ। देखिए हो गया लॉगिन। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो लॉगिन टू बॉगिन का, कैसे यूज़ करें, और इसमें बहुत सारी फंक्शनैलिटी भी दी हुई है कि जब आपको कस्टमाइजेशन चाहिए अपने रजिस्टर्ड पेज पे या लॉगिन टाइम, कि हमें ईमेल एड्रेस से लॉगिन कराना है या किसी फील्ड्स मतलब पासवर्ड वहाँ पर सेट कराना, तो जितनी भी आपने ये फंक्शनैलिटी देखी ये इससे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।